गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू। सो गाइज आज हम इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो हाँ आज हम बात करेंगे जम्मू के फौना और जिसमें बात करेंगे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू। सो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू इज जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कठुआ में सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी ऐसी नदी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है नोट कर लेना। सो जसरोटा बात करेंगे आज जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सो एरिया ऑफ जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 10 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है नोट डाउन करें। और इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसमें इस बार रिसेंटली JKSSB क्लास 4th एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मतलब इच इज़ फेमस फॉर बैम्बू कल्टीवेशन और बैम्बू ट्रीज आर ग्रोन हियर। सो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ स्पीशीज ऑफ बैम्बू ट्री, ठीक है। बैम्बू का साइंटिफिक नेम बैम्बूसा वल्गैरिस, ये भी आप याद रखेंगा। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आप बैम्बू ट्रीज भी पाएंगे और आपको शीशम ट्रीज भी यहाँ पे नज़र आएंगे। शीशम ट्री का आपको जैसे हमने साइंटिफिक नेम पहले ही बताया है डेलवर्जिया सिसो। सो आज हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे तो इसमें फ्लोरा का आना थोड़ा ऐसे मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन पुट अप हो चुका है बैम्बू ट्री कहाँ पे कल्टीवेट हुआ है या डोमिनेंट है कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो यहाँ जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। सो रीसस मंकी नंबर 1, रीसस मंकी इज द ओनली एंड द मोस्ट एंड द ओल्डेस्ट स्पीशीज ऑफ मंकी, ठीक है। एंड नंबर 2 इज जैकल, नंबर 3 इज हेयर। सो यहाँ पे रीसस मंकी भी आपको देखने को मिलेंगे, जैकल्स भी मिलेंगे एंड हेयर भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। ये तो जम्मू में ही सिचुएटेड है 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू। सो टोटल एरिया ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज 31.30। ये तो नॉर्मली 31.3 आपको तो हर एक बुक में वेरिएशन नज़र आएंगे, किसी में 32 होगा किसी में 35। सो नॉर्मली 30 और 35 की रेंज में आपको मतलब एरिया यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ओके। जब क्वेश्चंस जब आते हैं ना लाइक JKSSB जब क्वेश्चंस पुट करती है तो ये 31.30 नहीं देंगे, लाइक वो देंगे 30, 50, 70 और 90। सो आप यहाँ से इजिली गेस कर सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। सो 31.30 आप हेजिटेट मत होना कि मतलब सर ने ये एक्यूरेट दे दिया, ऐसा नहीं है एक्यूरेट यहाँ पे भी नहीं हो सकता, हो सकता है ये नेट पे आपको गूगल करोगे तो आपको इसमें भी वेरिएशन नज़र आएंगे। सो आप लोग डाउट में मत रहना, ठीक है। सो बात करेंगे कौन कौन से यहाँ पे डोमिनेंट स्पीशीज रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमको मिलेंगे। सो नील गाय वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट करें नील गाय। रीसस मंकी आपको पहले ही बता दिया, इट इज़ द ओल्डेस्ट स्पीशीज ऑफ मंकी। नंबर 2 इज हेयर, ठीक है। ये कॉमन ऐसे स्पीशीज हैं नॉर्मली आपको हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बर्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पैरट मिलेंगे आपको, पिजन्स मिलेंगे, वल्चर मिलेंगे, ठीक है। सो अगर आप प्रॉप अच्छे से करना चाहते हो तो आप इस सब का प्रॉपर नोट्स बनाएं ताकि आपको इजली, अगर आप आपको 10-15 दिन भी रह रहे हो एग्ज़ाम के लिए तो आप इजली अगर देख के भी आप इजली आप रिवाइज कर सकते हो 5-10 मिनट में पूरा फ्लोरा एंड फौना। सो नेक्स्ट वन इज सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। जम्मू डिवीज़न की ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम कह सकते हैं। 97.82 आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वेरिएशंस आपको दिखेंगे दिखने को मिलेंगी हर एक
सोर्सेज में, तो आप इसको मान लो 100 ही लगा सकते हैं आप, 100 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सो तो बात चल रही है सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सुरिंसर और मानसर डल लेक, सॉरी लेक डल नहीं आता है, सुरिंसर एंड मानसर लेक्स के नियर अबाउट ही ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखने को मिलेगी। ओके, सो एक ये एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है या टच करती है। आप बात करेंगे सांबा डिस्ट्रिक्ट को, ये साउथ से कनेक्ट करती है। ओके, नॉर्थ ईस्ट से ये उधमपुर को लग जाएगी, उधमपुर। नॉर्थ वेस्ट में चले जाओगे तो आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट करती हुई आपको नज़र आएगी। ओके, ये सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो कौन कौन से स्पीशीज जहाँ यहाँ पे आपको कॉमनली दिखने को मिलेंगे, गोरल, नेक्स्ट वन इज वाइल्ड बोर, बार्किंग डियर। ओके, बार्किंग डियर भी आपको मोस्ट कॉमनली हर जगह दिखने को मिलेगा हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लीपर्ड भी नज़र आएंगे आपको। नेक्स्ट वन आप बर्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक पार्ट्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट डाउन करें। रेड जनरल फॉल, ये भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो ये था हमारा सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सो नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाएगी आपको, ये भी जम्मू डिवीज़न में ही पाई जाती है, इनफैक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगी आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो NH-44 हाईवे के सराउंडिंग में मिलेगी। सो नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आप NH-44 हाईवे के सराउंड में मिलेगी आपको। सो एरिया ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज 33.34 किलोमीटर, इनफैक्ट स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पाइनस भी दिखेगा, शीशम भी दिखेगा, जिसका डेलबर्जिया शिशु, जिसको आपको शिशु सॉरी डेलबर्जिया शिशु जिसका साइंटिफिक नेम है, यहाँ पे आपको पाइनस के भी ट्रीज दिखने को मिलेंगे एंड शीशम भी नज़र आएगा। सो ये तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारी एंड रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज का घर है ये नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनफैक्ट यहाँ पे एक बर्ड पाई जाएगी आपको मिलेगी, जिसका नाम है पीजेंट। ओके, पीजेंट एक ऐसी बर्ड है जिसकी लॉन्ग टेल होती है, मतलब काफ़ी लंबी इसकी पूंछ मानी जाती है कि होती है इसकी पीजेंट की। सो पीजेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप वैष्णो देवी के लिए अगर जाते हैं तो आप वहाँ पे देखोगे आपको त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के काफ़ी बोर्ड देखने को मिलेंगे। सो त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही पाई जाती है, जहाँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी है, इनफैक्ट वैष्णो देवी दरबार भी है वहाँ पे। सो रियासी डिस्ट्रिक्ट त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं पे पाई जाएगी, एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो आपने नॉर्मली सबने ही जो जो भी वैष्णो देवी गए हैं तो उन्होंने ये ज़रूर नोटिस किया होगा, वहाँ पे स्पीशीज है मंकी की जिसको हम लंगूर कहते हैं, वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो लंगूर बिकम इम्पॉर्टेंट इन त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उसके अलावा आपको लिपर्स भी वहाँ देखने को मिलते हैं, जंगल फॉल भी होते हैं। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीर डिवीज़न की कल हमसे स्किप हो गई थी। सो इसका नाम है थाजीवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम बालताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। ओके, बालताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थाचीवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बालताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी थाजीवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जिसके
लाइक मस्क डियर, कल भी हमने डिस्कस किया था मस्क डियर को, ये भी वहाँ पे पाया जाता है थाजीवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट वन इज ग्रे लंगूर, नेक्स्ट वन इज रेड फॉक्स। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, कल हमने कंप्लीट की थी कश्मीर डिवीज़न की, आज हमने कंप्लीट की हैं जम्मू डिवीज़न की। सो यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ख़त्म होती दिखेंगी, नॉर्मली हमने सारी कवर कर ली हैं। सो बात करते हैं अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये एक्चुअली इसकी आइडिया कहाँ से आया था वाइल्ड लाइफ, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? आपको पता ही होगा कि नाम से ही इंडिकेट होता है प्रोटेक्शन एक्ट, लाइक किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्ट इसको कर रहे हैं हम वाइल्ड लाइफ को, ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ वाइल्ड एरिया। सो उसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपको बताएंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कहते हैं। सो ये एक्ट 1972 उसके साथ जुड़ के एक बनता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हम बात डिस्कस करते हैं। सो आइडिया इसका कहाँ से आया था, नॉर्मली 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो ये स्टैनहोल्ड में हुई थी एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो इसको स्टैनहोल्ड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है। सो इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, एक आइडिया दिया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। सो वहीं से एक आइडिया निकला था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1975 जो इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था 9th of September 1972, ठीक है। सो इस प्रोटेक्शन एक्ट में नॉर्मली होता क्या है कि प्रोटेक्शन हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है, इसमें एक आइडिया लिया गया था कि हम लोगों ने एक एम लेना है कि हम लोगों ने वाइल्ड ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना है। कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक्वेटिक में या जो टेरिस्ट्रियल में रहते हैं, एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहते हैं या जो लैंड पे रहते हैं, उन सारों को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना, एक ओथ था, ठीक है। नॉर्मली इसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे गए थे इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में? सो इसमें सबसे पहले प्रोविजन था हमने प्रिवेंट करना है हंटिंग को, नंबर वन हंटिंग को हम लोगों ने प्रिवेंट करना है, ठीक है। नॉर्मली उससे पहले काफ़ी ज़्यादा हंटिंग्स, लाइक आप हिस्ट्री पढ़ते थे तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे रूलर्स थे जो हंटिंग्स को लव करते थे, मतलब उनकी एक हॉबी होती थी कि हंटिंग करना, लाइक एडवेंचर पे जाना, वहाँ पे हंटिंग करना, काफ़ी सारे ऐसे रूलर्स थे, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। सो उसके बाद एक आइडिया आया था जब देखा गया कि काफ़ी सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, जो एंडेंजर्ड हैं, जो रेयर होते जा रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम हम लोगों ने एक एम बनाया कि हम लोगों ने इनको प्रोटेक्ट करना अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इंडिया ने उसको प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था 9th of September 1972। सो इसका पहला एम था टू प्रिवेंट द हंटिंग, नंबर टू टू इस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हम लोगों ने नेशनल पार्क्स बनाने हैं जिसमें हम लोगों ने जो भी रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में जो भी स्पीशीज आ रहे हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। फ्लोरा को भी प्रोटेक्ट करना है, हमने फौना को भी प्रोटेक्ट करना है। सो सेकेंड एम इसका था कि इस्टेब्लिश करना हमने नेशनल पार्क्स को। थर्ड ये था कि ये जो वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड एनिमल्स की ट्रेडिंग चलती थी उसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट करना था। सो थर्ड वन था वाइल्ड एनिमल्स की ट्रेडिंग,
सो इसमें हमने वाइल्ड एनिमल्स की ट्रेडिंग को भी हमने रिस्ट्रिक्ट किया था. लाइक पहले टाइम पे ऐसा होता था कि एलिफेंट्स के टीथ को भी कट किया जाता था क्योंकि उस टाइम उस चीज़ की बहुत डिमांड थी, तो हम लोग कट करते थे उसको, लाइक उनको हंट करते थे एनिमल्स को और उनके टीथ्स को मतलब ले जाना और सेल करते थे, उससे भी हमें काफ़ी लोगों को प्रॉफिट होता था. सो उसको भी हमने ट्रेडिंग को ख़त्म किया. लाइक लेदर हम यूज़ करते थे एनिमल्स के स्किन का, स्किन को उतार के उनका लेदर्स बनाते थे जिसको बाद में हम लोग काफ़ी जगह यूज़ करते थे. तो इसकी एनिमल वाइल्ड एनिमल की ट्रेडिंग को भी हमने रिस्ट्रिक्ट किया. नंबर फोर्थ, कुछ ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब्ड हमारी लाइक आते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स होते हैं हमारे, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं इंडिया में. सो कुछ ऐसे ट्राइबल्स थे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते थे, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसको भी हम प्रोटेक्ट करते थे जो भी ट्राइबल्स थे इन अंडमान एंड निकोबार. सो ऑल दिस जितना भी हमने किया ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोगों ने इंक्लूड किया था और हमने एम बनाया था इन सब पोर्शंस को, इन सब एरिया को और इन सब जो भी ये ट्राइबल्स हैं इन सब को प्रोटेक्ट करना. सो ये बात हो रही थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, बट जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से अलग था. मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि ऑल यू नो ये 370 लाइक कोई भी रीज़न हुआ होगा उस टाइम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं इम्प्लीमेंट हुई थी. लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुई थी? 1978, इनफैक्ट 9th ऑफ मई 1978. और जब भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था तो पांच ऐसे नेशनल पार्क बनाए गए थे जो हमने प्रोटेक्ट किए थे. और राइट नाउ जो है 100+ नेशनल पार्क जो हैं हमने बना लिए हैं. और अभी असम में एक नेशनल पार्क जो है रिसेंटली उन्होंने नेशनल पार्क एक एरिया को डिक्लेयर किया. सो ये भी आपको नोट करना है, उस टाइम पे 5 नेशनल पार्क्स थे. सो बात करते हम सो जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 9th ऑफ मई 1978, इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978. सो दैट्स ऑल जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में यही है. लेकिन इसके अलावा एक और जो एरिया था हमने कवर करना, क्योंकि एज यू नो जम्मू JKSSB क्लास फोर्थ लेवल जो था एग्ज़ाम का वो लाइक KS से कम नहीं था. सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो IS लेवल से कम भी नहीं होंगे. सो हम कोशिश करेंगे काफ़ी डेप्थ में जाके स्टडी करने के बारे में. सो बात करेंगे हम, एक कंट्रोवर्सी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी के, और इसमें एक लाइक स्पीशीज था टिबेटियन एंटीपोल जिसको हम कॉमनली कहते हैं चीरू. ओके, अब बात क्या थी इन दोनों के बीच में कि जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने इस स्पीशीज को कवर नहीं किया हुआ था. लाइक इसकी हंटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में एक शॉल इसके हेयर से लाइक इसके हेयर्स को यूज़ करके एक शॉल बनाया जाता था उस टाइम पे, जिसका नाम था शैतूश शॉल. ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वालों ने इसको अंडर प्रोटेक्शन, इस वाइल्ड लाइफ के अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ था. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 के अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ था. तो अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो इन्होंने कहा कि आप लोगों ने इसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया हुआ. तो बात यह थी कि इन्होंने इसीलिए प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ था क्योंकि यहाँ पे शैतूश शॉल बनाया जा रहा था इसके हेयर से ठीक है, जिसका नाम है, जिसका साइंटिफिक नेम था टिबेटियन एंटीपोल,
जिसको कॉमनली कहते हैं चीरू। ओके, और रिसेंटली रायमोना नेशनल पार्क जो है असम में, उसको हमने नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप नोट डाउन कर लें। और जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था तो कितने नेशनल पार्क्स थे? 5 नेशनल पार्क थे। आप टोटल अभी कितने हैं? 103, मान लो आप 100 प्लस और 103 इस टाइम वाइल्ड लाइफ सॉरी नेशनल पार्क है। सो हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो स्टार्ट करते हैं हम किश्तवाड़ नेशनल पार्क से। सो सब सोच रहे होंगे कि हैमिस नेशनल पार्क को क्यों सर ने एक्सक्लूड किया हुआ है। सो आप सबको पता ही होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा, वैसे बता देते हैं कि हैमिस नेशनल पार्क जो है वो अब लद्दाख में इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो अलग यूटीज बन चुकी हैं। सो हैमिस नेशनल पार्क जो है अब वो लद्दाख में सिचुएटेड है। सो अब रिसेंटली जो करंट जो है नेशनल पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, जिसका कुल एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब कब डिक्लेयर हुआ था नेशनल पार्क? सो 10th of April 1990। गाइज ये ऑथेंटिक डेट है, हमने ऑफिशियल साइट से ली हुई है, सो आप इसको ऑथेंटिक मान सकते हो, ठीक है, 1990 10th of April, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कौन से फौना हैं जो बहुत डोमिनेंट हैं या बहुत इम्पॉर्टेंट हैं? सो हंगुल यहाँ का बहुत डोमिनेंट स्पीशीज माना जाता है फौना में, जिसका नाम है सर्विस, साइंटिफिक नेम है सर्विस हंगलू, ठीक है। उसके अलावा मस्क बियर भी यहाँ पे पाया जाएगा आपको, सर्विस हंगलू, मस्क डियर, लिपर्ड, लंगूर, ठीक है। सो इसके अलावा हम बात करेंगे फ्लोरा की, तो डियोडार एंड पाइन यहाँ पे पाए जाएंगे। डियोडार का साइंटिफिक नेम है सिड्रस डियोडारा, एंड पाइन का तो सबको पता ही होगा पाइनस। साइंटिफिक नेम आपको साथ साथ लर्न कर रहे हैं ताकि आपको रिवीजन के टाइम या फिर आप स्किप नहीं कर पाओ, क्योंकि JKSSB कुछ भी पूछ सकता है, साइंटिफिक नेम भी पूछ सकते हैं। सो आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है। हंगुल का है सर्विस हंगलू, डियोडार का है डियोडार का सिड्रस डियोडारा, नेक्स्ट वहाँ पे मरखोर का है कैप्रा फेल्कोनरी, लाइक इस तरह मैंने काफ़ी सारे आपको साइंटिफिक नेम्स वीडियोस में बताए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा उनको भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाचीगाम नेशनल पार्क की, जो श्रीनगर में है। कुल एरिया इसका 141 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 4th of Feb को 1981 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। सो बात अगर चलेगी कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है, तो हम बोलेंगे किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सो अगर बात चलेगी ओल्डेस्ट वन, कौन सा सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर का, तो हम कहेंगे डाचीगाम नेशनल पार्क, जो कि 4th of Feb 1981 को डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। कश्मीर स्टैग यहाँ फेमस है, ठीक है। हंगुल किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, डाचीगाम में कश्मीरी स्टैग, ठीक है, और यहाँ पे इनफैक्ट ट्रॉट फिशिंग फार्म भी कुछ बनाए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किश्तवाड़ में हंगुल, डाचीगाम में कश्मीरी स्टैग, ठीक है। और बात करेंगे अब हम सलीम अली नेशनल पार्क की। सो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि किसी एक पर्सन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ऑफ कोर्स इसको किसी एक पर्सनैलिटी के नाम पे नाम रखा गया है, जिनका नाम था सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जिनको हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, फेमस पर्सनैलिटीज़ में भी आ जाते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया
ऑर्निथोलॉजिस्ट चाहिए। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, इनके नाम पे ये सलीम अली नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। पहले ये सिटी फॉरेस्ट था श्रीनगर का, ये भी कश्मीर में श्रीनगर में ही सिचुएटेड है। इसका एरिया है 9 किलोमीटर, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए लाइक 1998 से 2001 तक इसको हमने रॉयल गोल्फ क्लब की तरह भी इसको पार्क को कन्वर्ट किया था। ये भी आपको लर्न करना है कौन सा ऐसा नेशनल पार्क था जिसको हमने रॉयल गोल्फ क्लब की कोर्स की तरह भी यूज़ किया था। सो सलीम अली नेशनल पार्क वॉज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको हमने रॉयल गोल्फ कोर्स भी बना दिया था इन द ईयर 1998 टू 2001। लर्न करना है आपको अच्छे से। बड़ा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट दाचीगाम, स्मॉलेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क। सो JKSSB के हर क्वेश्चन के लिए आपके पास अपना एक अलग जवाब होना चाहिए। शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, लार्जेस्ट और बिगेस्ट जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट दाचीगाम नेशनल पार्क। किश्तवाड़ इज़ फेमस फॉर हंगुल, ठीक है। दाचीगाम इज़ फेमस फॉर कश्मीरी स्टैग। ये आपको लर्न करना है, बाई हर्ट करना है, और मेरे साथ भी अगर आप बोलते रहोगे तो आपको ऐसे भी लर्न हो जाएगा। किश्तवाड़ हंगुल, ठीक है, दाचीगाम कश्मीरी स्टैग। सो आपको ऐसे भी लर्न करना है कौन सा ऐसा पार्क था सलीम अली किसके नाम पे था। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली जो बर्डमैन ऑफ इंडिया थे और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, और इसको कब डिक्लेयर किया था हमने नेशनल पार्क, 14th of August 1986। ओल्डेस्ट 91 में था, फिर उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने तीन अलग अलग नेशनल पार्क्स को कवर किया है, और इनफैक्ट आपको लर्न भी हो गए होंगे जैसे आपको मैंने करवाया। सो बात करते हैं काजीनाग नेशनल पार्क। ये कह सकते हैं ये तो कारगिल वार के बाद ही डिक्लेयर हुआ था। इनफैक्ट इसका हमें ऑफिशियल सोर्स से कोई एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाया कि कौन सी डेट को ये डिक्लेयर हुआ था, बट मान सकते हैं 2007 के अराउंड इसको भी हमने नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। मरखोर आपको कल ही बताया था वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है, ठीक है, जिसका नाम है कैप्रा फेल्कोनरी, साइंटिफिक नेम है, ये भी आपको लर्न करना है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से फौना पाए जाते हैं, हिमालयन मस्क बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, स्मॉल कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वायर, ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है गाइस। सो इसके साथ हम कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज भी लेके आए हैं आपके लिए, ये भी आपने लिस्ट बना रखनी है ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं हो। नंबर 1 स्नो लिपर्ड, ठीक है, हंगुल, ब्राउन बियर, ब्लैक नेक्ड क्रेन, मस्क डियर, मरखोर और चीरू, जिसका नाम है किबटियन एंटीलोप। ANTELOPE। सो आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि हमने लाइटिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव कर रखा है। सो दैट्स ऑल, फ्लोरा एंड फौना यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। आई होप हम लोगों ने सब कुछ कवर कर रखा है जो कि एक JKSSB के एग्ज़ाम के लिए या 10+2 या ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर ज़रूर करें, और भूलें मत।